जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा बॉयलर का जो है फाइनल इंस्टॉलेशन। तो चलिए आपको दिखाते हैं, हमने बहुत सारे गीज़र, गैस गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र और सोलर गीज़र भी फिट किए थे। बस एज़ पर कस्टमर के डिमांड पे हमने यहाँ पे जो है अभी बॉयलर की इंस्टॉलेशन चालू की है। ये रहा हमारे कंपनी का जो है यहाँ पे बॉयलर का जो है गीज़र होता है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे यहाँ पे लाइट बिल की वजह से दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे बॉयलर जो है यहाँ पे वुड के ऊपर चलने वाला गीज़र जो है हम यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले इंस्टॉलेशन दिखाते हैं हमारे अशफाक भैया। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर प्लम्बिंग के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा, हमारे अशफाक भैया यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है आज की फिटिंग हमारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनलेट जो होता है हमारा, जो बॉयलर में जो ठंडा पानी इनलेट होता है, वहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर यूनियन और बॉल वॉल फिट किया हुआ है, ताकि जब भी कोई मेंटेनेंस निकले तो हमारे को जो है यूनियन से ओपन करे। और यहाँ पे ये एनआरवी, जो एनआरवी का काम होता है, ये जो हॉट वाटर होता है ये वापस से जो है ठंडे पानी में मिक्स नहीं होता है, बट यहाँ पे हमने सीपीवीसी पाइप ही इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम नहीं देगा। बस सेफ्टी के लिए हम क्या करें, यहाँ पर एनआरवी का इस्तेमाल करें, ताकि जब भी पानी अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो ये वापस जो है इनलेट यानी ठंडे पानी में जो है ये अंदर ना जाए। तो उसके बाद ये हमारे को जो है यहाँ पर फिटिंग जो है एनआरवी की हमारे अशफाक भाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एनआरवी हम यहाँ पे फिट करेंगे, उसके पहले यहाँ पे यूनियन लगाया हुआ है, ताकि एनआरवी का कुछ प्रॉब्लम आता है तो यूनियन को ओपन करके हम यहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये हमारे शाहिद भाई है, जो अशफाक भाई के पार्टनर है, ये हमारे प्लम्बर ही है जो अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कटिंग मार्किंग के साथ करने के बाद पाइप की जो है वो फिटिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पर फन मजाक के साथ जो है यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रही है। तो ये रहा हमारा इनलेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर साइड से जो है यहाँ पर इनलेट हो रहा है, ये ठंडे पानी का जो है यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है हमने। तो बॉयलर को जो स्ट्रेट लाइन होती है वो ठंडे पानी की इनलेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूनियन से हमने क्या किया, अब इसको इनलेट को जो है अच्छे से फिट किया है। तो सबसे पहले बॉल वॉल लगेगा, उसके बाद यूनियन, यूनियन के बाद जो है हमारा एनआरवी लगेगा, और यहाँ पे आउटलेट है। ये नीचे साइड जो पॉइंट दिया गया है, ये हॉट जब पानी हमारा गर्म हो जाएगा तो यहाँ से जो है आउटलेट होगा, यानी हमारे यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे प्लम्बिंग के वापस मार्किंग करके कटिंग देख सकते हैं आप, ये कटिंग भी यहाँ पे हो रही है। कटिंग होने के बाद जो है यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वापस से हम यूनियन लगाएंगे। याद रहे, जितने यूनियन हम इस्तेमाल करेंगे उतना हमारे को जब बाद में से मेंटेनेंस करनी ईजी होता है। तो जैसे ही यहाँ पर जो है हमारा यूनियन लग चुका है, उसके बाद वापस से कटिंग करेंगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ एक ही है, जैसे ही हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पर जो बर आती है उसे हम क्या करें, कपड़े से साफ़ करें। नहीं तो क्या हो जाता है, बर बाद में से वापस नल में आकर जो है, नल जो है हमारा ब्लॉक होता है और पानी का फोर्स कम होता है। तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम, जो कस्टमर की डिमांड थी उसके हिसाब से हम यहाँ पे आउटलेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रिलिंग करके होल करके जो है यहाँ पे पाइप और एक नल हमने यहाँ पे बाथरूम में इंस्टॉल करके दे दिया। वापस यहाँ पे नल की फिटिंग के लिए पाइप थोड़े टुकड़े लग रहे हैं, तो हमने वापस से ये कटिंग किया और ये साफ़ किया। तो हमेशा याद रहे, बर यहाँ पे हमें साफ़ करनी है, वरना आगे जाकर हमारे को ही दिक्कत होती है। तो फाइनल इंस्टॉलेशन हो गया है, ऊपर से देख सकते हैं ये इनलेट है और ये राउंड होकर नीचे से क्या हो चुका है, ये हमारा हॉट वाटर जो है आउटलेट हुआ है। तो अब टाइम है हमारा टेस्टिंग का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर थोड़े से लकड़ी वगैरह डालकर जो है यहाँ पर पानी को हीटिंग के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी पूरा रस्ट जो है नीचे, जो हम कहते हैं उससे जो कोलसा है वो यहाँ पे जाकर नीचे रुका हुआ है और यहाँ से धुआं आ रहा है आउटलेट, और ये इनलेट जो है हमारा आउटलेट, आउटलेट यहाँ पे नल में चालू हो चुका है। तो यहाँ पे इंस्टेंट जो है पानी गर्म हो चुका है और कस्टमर को जो हमने फाइनल टेस्टिंग यहाँ पे जो बॉयलर की थी हमने दे चुकी है। तो इस तरीके से जो दोस्तों, आप भी अभी अपने घर में जो है बॉयलर का इंस्टॉलेशन विद प्लम्बिंग के साथ, पाइपलाइन के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर लकड़ी जो है वुड हमने यहाँ पर लगा कर हमारे को फाइनल टेस्टिंग हमने कस्टमर को दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।